लास्ट मिनट में दोस्तों समझ में नहीं आता कि ऐसी कौन सी मिठाई बनाए जो झटपट बन जाए और घर के सामानों से बन जाए और टेस्टी भी सभी को लगे। आज की मिठाई बहुत ही खास है। जो मार्केट में 1000 रुपये वाली मिठाई मिलती है, आज उसे हम सस्ते में बनाएंगे, घर के सामानों से बनाकर तैयार करेंगे। इतनी स्वादिष्ट और टेस्टी लगती है, देख सकते हैं इसका टेक्सचर कितना खूबसूरत आया है ना, कि मुंह में जाते घुल जाएगी। देखिए इसे मैं आपको तोड़ कर भी दिखाती हूँ, कितनी सॉफ्ट मॉइस्ट है। ज़्यादा से ज़्यादा इसे हमें मात्र 15 मिनट लगते हैं बनाने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को अच्छी लगी तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। इसके लिए हमने लिया 1/2 कप काजू। जी हाँ, ज़्यादा काजू का यूज़ हम नहीं करेंगे। बहुत लोग बोलेंगे कि बहुत महंगी मिठाई हमने बना दी है, तो ज़्यादा नहीं, 1/2 कप हमने यहाँ लिया, लगभग 50 ग्राम से भी कम होंगे। दूसरी तरफ हमने एक मिक्सर ग्राइंडर लिया है, इसमें हम ऐड कर देते हैं चीनी। तो लगभग मैं यहाँ पे 4 चम्मच चीनी ऐड कर दे रही हूँ इस खाने वाले चम्मच से। साथ में इसमें हमने काजू भी ऐड कर देने हैं 1/2 कप। इसे मैंने थोड़ा सा तोड़ भी लिया था, देखा कहीं इसमें कीड़े वगैरह तो नहीं लगे, तो बिल्कुल साफ थे, अच्छे थे। जब भी आप काजू लें तो बिल्कुल चेक करके ले लें इस तरह से। साथ में 1/2 कप हम यहाँ पे नारियल का बुरादा ऐड कर देते हैं, जिससे इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा आएगा और काजू भी हमारे कम लगेगा। अगर नारियल बुरादा पसंद नहीं है तो सिर्फ आप काजू से भी इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो लगभग 1 कप काजू यहाँ पर ले लें, तो देखिए इस तरह का टेक्सचर यहाँ पर हमारा आ जाता है, बिल्कुल फाइन पाउडर हमारा बनकर यहाँ पर तैयार हो गया सभी चीज़ पिस कर। अगर आप इलायची फ्लेवर चाहते हैं तो इसमें इलायची भी आप ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे दूसरा फ्लेवर में बना रही हूँ। दूसरी तरफ मैंने एक कढ़ाई ली है जिसमें इस रेसिपी को मैं बनाऊँगी, तो फटाफट बनने वाली है। तो देखिए सारे को हमने डाल दिया। यहाँ पर हमने लिया है छेना, यानी पनीर आपको लेना है। तो मेरे पास 1/2 kg दूध था, वो दूध क्या हो गया ना दोस्तों, फट गई, तो मैंने उसको क्या किया, उसका छेना निकाल लिया 1/2 कप। साथ में यहाँ पे हम 2 से 3 चम्मच घी ऐड कर देते हैं अच्छे टेक्सचर के लिए, और इसे अच्छे से यहाँ पे हम मिक्स कर देते हैं पनीर के साथ। साथ में मैं थोड़ा सा दूध भी ऐड कर देती हूँ, लगभग 1/4, ताकि इसे अच्छे से मिलाने में हमें प्रॉब्लम नहीं आए और अच्छे से यहाँ पे मिक्स हो जाए। ज़रूरत पड़े तो आप थोड़ा सा ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा लेंगे तो इसे कुक करने में भी आपको ज़्यादा समय लगेगा। तो ये 15 मिनट में मिठाई बिल्कुल इंस्टेंट बनेगी दोस्तों, कोई भी इसमें गड़बड़ी मैंने नहीं की है। तो देखिए इस तरह का टेक्स्चर आ गया, मैंने गैस पे रख दिया है इसे, और इसमें हम ऐड करने वाले हैं 1 कप मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर कोई भी ब्रांड का आप यहाँ पर ले सकते हैं, एवरीडे, अमूल्या, कोई भी डेयरी वर्टनर आप यहाँ पे ले सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगी, बिल्कुल दांत में नहीं चिपकेगी और फटाफट रेसिपी बनेगी। बहुत लोग बोलेंगे मिल्क पाउडर नहीं है तो इसमें हम क्या ले सकते हैं, तो आप क्या करें, दूध को बिल्कुल गाढ़ा कर दें, 1/2 kg दूध को बिल्कुल आधा कर दें, आधा से भी कम कर दें, और यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर कुछ भी ऐड नहीं किया है दूध वगैरह, और मिक्स करते करते गैस का फ्लेम मैंने मीडियम टू हाई रखा है, ताकि फटाफट ये रेसिपी आपको बनानी है। लो फ्लेम पर करेंगे ना तो बहुत ही समय लग जाएगा, तो मीडियम टू हाई फ्लेम पर अच्छे से मिक्स करते जाएं। इसमें चीनी है, मिल्क पाउडर है, वो सब अपना पानी छोड़ते हैं। तो देखिए कैसे मिक्स करते करते किस तरह का यहाँ पे टेक्सचर आ गया। कोई भी दूध हमने यहाँ पे ऐड नहीं किया था मिल्क पाउडर डालने के बाद, और ऐसा टेक्सचर आपका आ जाता है। तो लगभग इसे हमें कुक करने में 6 से 7 मिनट लग जाते हैं, और आपको एकदम बिल्कुल ठीक यहाँ पर आपको बनाकर तैयार कर लेना है। तो देखिए रेडी है, गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे, इस तरह का टेक्सचर चाहिए। हाथों में लेके देखें, बिल्कुल अच्छे से बनेंगे। अब कढ़ाई में बिल्कुल भी हम नहीं रखेंगे इससे, इसे हम प्लेट में बाहर निकाल लेते हैं और इसे 50% हम ठंडा होने देते हैं। इसमें और बहुत सारी चीज़ इनोवेशन होने वाली है दोस्तों, तो वीडियो को अंत तक देखें, एक एक स्टेप देखें, ताकि आपकी भी मिठाई बिल्कुल परफेक्ट बने। तो मैं इसे फैला देती हूँ ताकि फटाफट ये ठंडी हो जाए, 2 से 3 मिनट में ही पंखे के नीचे रख दें, ठंडी हो जाएगी बिल्कुल। तो देखिए 50% ठंडी हो चुकी है हमारा ये। अब इसमें हम क्या करेंगे ना, मैंने बोला था ना कि फ्लेवर के लिए मैं यहाँ पे रोज़ एसेंस डालूंगी, आप चाहें तो यहाँ पे इलायची का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो मार्केट में आप देखते होंगे बड़े बड़े शॉप में जो हल्दीराम वगैरह में मिलती है ना इस तरह की खूबसूरत मिठाई रोज़ एसेंस में, यानी कि अगर आप इलायची वाला फ्लेवर जो होता है ना खा के बोर हो जाए, थोड़ा सा अलग फ्लेवर चाहिए, तो आप यहाँ पर रोज़ एसेंस डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर डाला, ऐसे तो इलायची का फ्लेवर खा के बोर नहीं हो सकते हैं, लेकिन होता ना कि थोड़ा सा अलग मिठाई चाहिए हमें फ्लेवर में, तो डाल सकते हैं यहाँ पे रोज़। तो देखिए डालने के बाद हमें इसे मिक्स करना है, और ये भी काफ़ी गर्म है तो मुझे मिक्स करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, लेकिन मिक्स हो जाते हैं अच्छे से। अब इसे हमने एक लॉग बना लिया है, लॉग को क्या करेंगे ना, हमें पहले 1/2 डिवाइड कर देना है, 2 भागों में डिवाइड करना है,
और जो डिवाइड किया है ना, तो एक पोर्शन लेंगे उसमें से थोड़ा सा और हम कट करके निकाल देंगे, क्योंकि एक का हम रोल बनाएंगे और एक का स्टफिंग बनाएंगे, तो जो कम वाला है ना उसकी स्टफिंग हम बनाएंगे। तो पहले ढक देते हैं ताकि सूखे नहीं, है ना। और जिसमें ज़्यादा लिया है ना उसे क्या करेंगे, इसमें देखिए टेक्सचर दिखा देती हूँ, बिल्कुल हाथों में नीचे पक रही है। इसमें हमने फूड कलर ऐड करना है, कोई सा भी कलर ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ऑरेंज डाल रही हूँ, पीला डाल रही हूँ, ये हर जगह अवेलेबल है। आप जो होते हैं ना मोतीचूर के लड्डू में जो डालते हैं, जलेबी में डालते हैं, वो कलर ले सकते हैं। तो ये कलर देखिए बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, इसलिए मैंने डाल दिया। नहीं खाना पसंद करते हैं तो अवॉइड कीजिएगा। अब जो स्टफिंग है उसमें मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, काजू बादाम के कतरन लिए हैं, छोटे छोटे पीस में कट लिए हैं, ये मैं डाल के से मिक्स कर लेती हूँ, क्योंकि जब हम खाएं ना तो मिठाई सादी नहीं लगनी चाहिए, तो इसे ड्राई फ्रूट्स चंक्स आने चाहिए, इसलिए मैं डाल रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे चॉकलेट जो होते हैं ना, वाइट चॉकलेट है ना, उसके चंक्स भी यहाँ पे आप डाल सकते हैं, थोड़ा सा इनोवेशन कर सकते हैं। तो देखिए ये हमारा स्टफिंग रेडी है, इसे हम रखते हैं साइड में। और जो हमने कलरफुल बनाया था ना, तो मैंने यहाँ एक बेकिंग पेपर लिया है, उसे पे रख कर इसे अच्छे से बेल लेती हूँ। अगर आपके पास बेकिंग पेपर नहीं है तो कोई भी प्लास्टिक की शीट लेके आप बेल सकते हैं। अब मेरे पास इस तरह से कुकी कटर है, इस तरह के फ्लावर शेप में इस तरह से मैं कट कर दूंगी, ताकि साइड की जो डिजाइन है ना फ्लावर में आए और बहुत ही खूबसूरत दिखे, बहुत ही अच्छी दिखती है। अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आप कोई भी बोतल के ढक्कन से इसे आप यहाँ पे कट कर सकते हैं, गोल के शेप में भी, और चाकू की सहायता से साइड में आप इसे फ्लावर का डिज़ाइन भी दे सकते हैं। तो देखा ना, मैं आपके साथ अच्छी अच्छी टिप्स शेयर करती हूँ, अगर आपके पास ये नहीं तो क्या कर। और देखिए जो बच गया ना उसे फिर से हम यहाँ पर इसका डो बना लेंगे, और इसे फिर से बेल के हम फ्लावर के शेप में कट कर लेंगे। अब देखिए स्टफिंग को हम लेंगे और छोटे पोर्शन में आप देख लें कि इसमें कितना आ जाना चाहिए, पहले नाप लें उस हिसाब से रखें। तो देखिए ये परफेक्ट है, तो उस हिसाब से मैंने इसमें फिल कर दिया है, और हल्के से यहाँ पे आप फैला दें स्टफिंग को, ताकि उसे कवर कर लें। और इसके ऊपर मैं एक चेरी लगा रही हूँ, और साइड में दोनों तरफ लगा रही हूँ पिस्ते का पाउडर। पिस्ते को लें, छोटे छोटे बारीक कट लें और इस तरह से लगा दें। आप चाहे तो यह चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं। और देखिए हमारी इंस्टेंट मिठाई, कोई भी हमने सेट रनिंग करने के लिए नहीं रखना है, बस बनाया, बस 5 मिनट मैंने इसे ठंडा होने के लिए रखा था बस, और हमारी इंस्टेंट मिठाई बनकर तैयार है दोस्तों। देखा ना कितनी खूबसूरत लग रही है, खाने में बहुत ही टेस्टी। आप सोच सकते हैं इसमें मैंने मिल्क पाउडर डाला है, काजू डाला है, नारियल का बुरादा डाला है, कितनी टेस्टी होगी। बाजार की महंगी मिठाई हम सस्ते में बनाकर तैयार कर लिए, और सारे ऑप्शन भी बताए हैं कि आप क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। जो बच गया था मैं चेरी की जगह पे किशमिश मैंने लगाया है, अगर चेरी नहीं है तो इस तरह से भी आप खूबसूरत लगते हैं। जो बच गए थे छोटे छोटे मैंने बॉल्स बना लिए, आप देख सकते हैं साइड में 2 बॉल्स मैंने बनाए हैं, देखिए कितनी सॉफ्ट और मॉइस्ट बने। इसे आप फ्रिज में नहीं रखिएगा दोस्तों, फ्रिज में रखने से ना ये हार्ड हो जाते हैं, है ना, कोई भी मिठाई ख़राब हो जाती है फ्रिज में रखने से। अगर स्टोर करना चाहते 3-4 दिन तो रखें। थैंक यू।